दोस्तों IPL, PSL एंड BPL अपने अपने कंट्रीज के सबसे बड़े प्रोफेशनल क्रिकेट फेस्टिवल्स में से एक है, बट इन तीनों में से सबसे बेस्ट लीग कौन सी है और आप किसे देखना पसंद करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल आज हम देखेंगे इंडिया के IPL, पाकिस्तान के PSL एंड बांग्लादेश के BPL के बीच में एक शानदार कंपैरिजन। तो शुरुआत करते हैं अपने कंपैरिजन वीडियो की बिना किसी देरी के। तो IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग इंडिया में हर साल खेली जाने वाली T20 क्रिकेट लीग है, जिसकी शुरुआत साल 2007 में BCCI ने की और इस लीग का फर्स्ट एडिशन 2008 में खेला गया और यह कंपटीशन हर साल इंडिया में गर्मियों के दिनों में चलता है। PSL का फुल नेम है पाकिस्तान सुपर लीग और यह हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हर साल खेली जाने वाली क्रिकेट लीग है, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई, जबकि इस लीग का फर्स्ट एडिशन ईयर 2016 में खेला गया। PSL को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB ऑपरेट करता है, जबकि BPL यानी बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी T20 फॉर्मेट में खेली जाने वाली बांग्लादेश की 3 प्रोफेशनल क्रिकेट लीग्स में से एक है, जिसको कि BPL गवर्निंग काउंसिल ऑपरेट करती है। लीग का फर्स्ट एडिशन 2012 में खेला गया। तो आइए दोस्तों अपने कंपैरिजन को शुरू करते हैं। तो गाइस अगर बात की जाए प्रेजेंट टाइम की, तो इंडियन प्रीमियर लीग में 10 सिटी बेस्ड फ्रेंचाइज टीमें खेलती हैं एंड हर एक सीजन तकरीबन 2 महीने तक चलता है। PSL में पहले 8 टीम्स खेलती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ओनली 6 सिटी बेस्ड फ्रेंचाइज टीमें ही PSL में खेलती हैं और PSL का एक सीजन तकरीबन 1 महीने तक चलता है। BPL की बात करें तो BPL में 7 फ्रेंचाइज पार्टिसिपेट करती हैं। विंटर्स में खेला जाने वाला यह सीजन भी 1 महीने तक ही चलता है। तो पहला पॉइंट जाएगा IPL के नाम एंड स्कोर होता है 100। अगर बात की जाए नंबर ऑफ मैचेस की, तो IPL में जहाँ एक सीजन में 70 से ज्यादा मैचेस खेले जाते हैं एंड हर एक टीम अप्रोक्स 14 लीग मैचेस खेलती है, वहीं PSL में लास्ट सीजन खेले गए अप्रोक्स 34 मैचेस एंड हर एक टीम ने 10 लीग मैचेस खेले। BPL की बात करें तो BPL में लास्ट ईयर टोटली 46 मैचेस खेले गए, जिसमें हर एक टीम ने 11-11 लीग मैचेस खेले। तो गाइस यह पॉइंट फिर से IPL के नाम जाएगा। मोस्ट सक्सेसफुल टीम, IPL में सबसे सफल टीम है मुंबई इंडियंस, जिसने IPL के 15 सीजन में टाइटल को 5 बार अपने नाम किया, फॉलोड बाई CSK, जिसके नाम पर IPL के 4 खिताब दर्ज है। PSL की बात करें तो वैसे तो हर एक टीम ने PSL का एक एक खिताब अपने नाम पर दर्ज किया है, लेकिन लाहौर कलंदर एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL की सबसे सफल टीम्स हैं, जिनके नाम पर PSL के 2-2 टाइटल दर्ज हैं। BPL यानी बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बात की जाए तो कॉमनवेल्थ विक्टोरियंस BPL हिस्ट्री में 4 बार चैंपियन बन चुकी है और यही BPL की सबसे सक्सेसफुल टीम है। तो यह पॉइंट फिर से जाएगा IPL को एंड स्कोर होता है 300। अनलकी टीम की बात की जाए तो IPL हिस्ट्री में RCB यानी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर सबसे अनलकी टीम मानी जाती है, जिसकी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी एंड ह्यूज फैन फॉलोइंग है और 3 बार IPL का फाइनल खेलने के बावजूद भी RCB कभी भी चैंपियन नहीं बन पाई। PSL हिस्ट्री में वैसे तो हर एक टीम ने एक एक बार टाइटल को अपने नाम किया है, लेकिन मोस्ट अनलकी टीम्स में लाहौर कलंदर्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड पेशावर जलमी का नाम आता है। वहीं बांग्लादेश प्रीमियर लीग की सबसे अनलकी टीम्स में सिलेट सनराइजर्स, चट्टोग्राम चैलेंजर्स एंड खुलना टाइगर्स का नाम आता है, जिन्होंने कभी भी BPL का टाइटल अपने नाम नहीं किया। तो यह पॉइंट किसी भी लीग को नहीं मिलेगा। गाइस अगर एक नजर डाली जाए प्राइज मनी के ऊपर, तो IPL में चैंपियन टीम को 20 करोड़ इंडियन रुपी, जबकि रनर अप टीम को 13 करोड़ इंडियन रुपी प्राइज के तौर पर दिए जाते हैं। PSL में विनिंग टीम को 4 करोड़ इंडियन रुपी, जबकि रनर अप टीम को 1.37 करोड़ इंडियन रुपी दिए जाते हैं और BPL में विनिंग टीम को 1.55 करोड़ इंडियन रुपी, जबकि रनर अप टीम को 78 लाख इंडियन रुपी दिए जाते हैं। तो गाइस प्राइज मनी का पॉइंट फिर से IPL को मिलेगा एंड स्कोर होता है 400। मोस्ट रन्स, IPL हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं विराट कोहली, जिन्होंने 200 से ज्यादा इनिंग्स में 6000 से ज्यादा रन स्कोर किए हैं। इसके बाद रोहित शर्मा का नाम आता है, जिनका रिकॉर्ड भी लगभग सेम ही है। PSL के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज का नाम है बाबर आजम, जिन्होंने 77 इनिंग्स में 2935 रन का रिकॉर्ड दर्ज किया है। BPL हिस्ट्री में तमीम इकबाल ने 88 इनिंग्स में 2930 रन बनाए हैं, जो कि सबसे ज्यादा है BPL में। तो गाइस यह पॉइंट जाएगा PSL के बाबर आजम को। मोस्ट विकेट्स, IPL की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विकेट टेकर बॉलर हैं CSK के DJ ब्रेवो, इन्होंने 158 इनिंग्स में 183 विकेट्स चटकाए। वहाब रियाज PSL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं, जो कि पेशावर जलमी के लिए खेलते हैं,
इनके नाम 87 इनिंग्स में 113 विकेट्स लेने का रिकॉर्ड दर्ज है। साकिब अल हसन बीपीएल में सबसे ज्यादा विकेट टेकर बॉलर है। इन्होंने 100 इनिंग्स में 132 विकेट्स लिए और ये फॉर्चून बरिसाल के लिए खेलते हैं। गाइज, हाईएस्ट स्कोर की बात की जाए तो आरसीबी ने आईपीएल के इतिहास में सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाया है, 5 विकेट के नुकसान पर 263 रन, फॉलोड बाय पीएसएल में मुल्तान सुल्तान, जबकि बीपीएल में सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाने वाली टीम है रंगपुर राइडर्स, जिन्होंने 4 विकेट खोकर 239 रन स्कोर किए हैं। तो यह पॉइंट जाएगा आईपीएल को एंड स्कोर होता है 511। हाईएस्ट पेड प्लेयर की बात की जाए तो आईपीएल 2023 में सबसे महंगे खिलाड़ी हैं सैम करन, जो कि एक सीजन खेलने का 18.5 करोड़ इंडियन रुपी लेते हैं। बाबर आजम पीएसएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, जो कि एक सीजन खेलने का 2.3 करोड़ इंडियन रुपी चार्ज करते हैं। और साकिब अल हसन बीपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, जो कि एक सीजन खेलने का 70 लाख इंडियन रुपी लेते हैं। तो यह पॉइंट फिर से मिलेगा आईपीएल को।